नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं सेन भारती। आज हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र के एक ऐसे पौधे के बारे में जिससे कि चर्म रोग का इलाज किया जाएगा। देश में अब आयुर्वेद की चिकित्सा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्रामीण क्षेत्र के पेड़ पौधों को लेकर शोध कार्य शुरू किया गया है। अब गाँव में मिलने वाले चिड़चिड़ी के पौधे पर शोध कार्य शुरू किया गया है। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल पटना में फंगल इन्फेक्शन में चिड़चिड़ी के पौधे पर शोध कार्य की शुरुआत की गई है। इस पौधे को आयुर्वेदिक में अपामार्ग कहा जाता है। साथ ही साथ इस पौधे के गुणों के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथों में खूब जिक्र किया गया है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि इस पौधे से रोगों के निदान को लेकर शोध कार्य किया जाएगा। ऐसे में यह शोध कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। इधर राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल पटना के प्राचार्य डॉक्टर एसएन पांडे ने बताया कि चिड़चिड़ी के विविध तरीके से उपयोग कर चर्म रोग से निदान किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि आप तुलसी को पानी में उबालकर उसके अर्क बनाकर अगर आप सेवन करते हैं तो आपका खून साफ होता है। इससे चमड़े से जुड़ी हुई परेशानियाँ दूर होती है और आपको आराम मिलता है। त्वचा से जुड़ी हुई है फंगस, जिससे कि कई लोग परेशान होते हैं। अगर किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं होता है तो इसका इन्फेक्शन से बच पाना मुश्किल होता है। बता दें कि यह एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि शरीर में कई प्रकार के फफूंद या फिर कवक के कारण होता है। यह भी कहा जा रहा है कि फफूंद के मृत केरोटीन में पनपता है और धीरे धीरे शरीर के ऐसे स्थानों में फैल जाता है जहां थोड़ी नमी होती है, जैसे कि पैर की उंगलियों के बीच, एड़ी, नाखून, जननांग, स्तन में परेशानियां होती है। कोई भी व्यक्ति जब शारीरिक रूप से काम करता है तो उसके शरीर से पसीना निकलता है, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। ऐसे में एथलीट फुट नामक फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फंगस अक्सर गर्म और नमी वाले वातावरण में बनते हैं। पसीने में भीगे हुए गीले कपड़े पहनना भी त्वचा में इन्फेक्शन को वाहक बनता है, वो भी लाने में मददगार होता है। इस दौरान त्वचा के कटने फटने से भी बैक्टीरिया त्वचा में गहरी परतों में अंदर चला जा सकता है और विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन हो सकता है। इस फंगल इन्फेक्शन में चिड़चिड़ी के पौधे पर शोध किया जा रहा है, जिससे कि इस फंगस पर काबू पाया जा सके। चिड़चिड़ी पर शोध को लेकर अनुसंधान इकाई का गठन किया गया है। यह समिति अब क्लिनिकल अनुसंधान में आयुर्वेदिक दवा के असर का अध्ययन करेगी। साथ ही साथ चर्म रोगों में सेरेसिम के साथ साथ विवर्चिका पर भी अनुसंधान करेगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि फंगल इन्फेक्शन को लेकर अभी तक कोई मान्य दवा नहीं है। ऐसे में चिड़चिड़ी पर किया जा रहा यह शोध कई मामलों में अच्छा होने वाला है। बता दें कि राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अनुसंधान इकाई चर्म रोगों पर चिड़चिड़ी के पौधे से निर्मित दवाओं के असर को लेकर शोध करेगी। बता दें कि आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना 1957 में हुई थी, लेकिन कोई ठोस कार्य नहीं किया गया था। ऐसे में अब चिड़चिड़ी के पौधे पर शोध कार्य में तेजी की बात कही जा रही है और यह भी एक अच्छा है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन जो है अमूमन एथलीट्स, खिलाड़ी और शारीरिक रूप से ज़्यादा काम करने वाले लोगों को खूब परेशान करता है। हमने आपको पहले भी बताया कि इसको लेकर कोई मान्य दवा नहीं है। अगर चिड़चिड़ी का इलाज सफल रहा तो यह हम आप सबके बीच में चिड़चिड़ी होने वाला पौधा है, जिससे कि हमको राहत मिल सकता है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।